वेलकम फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए क्लास 12th में आने वाले नोट मेकिंग पैसेज का वो लेसन प्रिपेयर किया है जिसमें आपके 6 में से 6 मार्क्स टोटल आएंगे। इसमें से आपका आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। बस आपको ये लेसन लास्ट तक ध्यान से देखना है। इसमें मैंने आपको जो ट्रिक्स यूज में ली है, अगर आपको ये आता भी है तो भी आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये देखने के बाद में आपको लाइफ में दोबारा कोई लेसन नोट मेकिंग का देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन परेशानी बच्चों को ये आती है कि नोट्स बनाने में जो हम हेडिंग लेते हैं वो सब हेडिंग लेते हैं, बहुत बड़ा 300 शब्दों का आपके पेसेज आता है, उसमें से कौन सा तो मेन हेडिंग लें और कौन से उसके सब हेडिंग्स लें, ये बहुत बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के लिए आती है। और ये 6 नंबर जो कि बिना याद किए बच्चा ला सकता है, स्टूडेंट ला सकता है, वहाँ भी वो परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम इंग्लिश के पहले मैंने आप लोगों के लिए काल्पनिक कहानी बनाई है, उस कहानी को आप अगर ध्यान से तसल्ली से देख लेते हैं, हिंदी में है लेकिन इस हिंदी से आप इंग्लिश के नोट्स बनाना सीख जाएंगे। बस आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, कहानी है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। अगर ये 6 नंबर आपको लेने हैं तो 5 मिनट आपको ये बात ध्यान से समझनी ही पड़ेगी। आइए हम कहानी बनाते हैं एक काल्पनिक, और उससे हमें नोट्स बनाना सीखते हैं। हिंदी के नोट्स हैं, आप 100% इंग्लिश के नोट्स बना लेंगे। रामलाल बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पेट पालन करता था। सुबह से लेकर शाम तक जंगल में लकड़ी काटता था। यह मेहनत भी घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह बहुत दुखी था। एक दिन वह लकड़ी काटकर शाम को घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसने उसे खोलकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वह लकड़ियों के साथ उसे तो ला नहीं सकता था, अतः उसे पास ही किसी जगह छिपाकर घर आ गया। सुबह उसने सुना नगर सेठ के घर चोरी हो गई है और चोर सोने का बक्सा उठा ले गए हैं। रामलाल नगर सेठ के पास गया और उसे बक्से की सूचना दी। वह उन्हें उस जगह ले गया जहां वह बक्सा छिपा कर आया था। नगर सेठ रामलाल की ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे इनाम में नया मकान, नौकरी और 10 बीघा जमीन दी। सच है, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, हमने एक काल्पनिक कहानी बनाई है, अब हम देखते हैं इसके नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हमने ए और नोट्स लिख दिया, और आप इसकी कहानी का जो शीर्षक है वो पता करने की कोशिश करें। तो शीर्षक हमें अपने आप पता लग रहा है कि यहाँ पर रामलाल गरीब था लेकिन उसने अंत में ईमानदारी दिखाई और उसी ईमानदारी का उसे फल मिला। तो हम इसमें 3-4 टाइटल लिख सकते हैं, ईमानदारी का फल, ईमानदारी या रामलाल की ईमानदारी। 3 में से कोई सा भी शीर्षक हो, तीनों सही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये पढ़ा, थोड़ा बहुत समझा तो हमें पता लगा कि इसका शीर्षक ये होता है। तो यहाँ पर शुरू में हम बिना शीर्षक लिखे ही शीर्षक लिख देंगे। ध्यान रखिए, शीर्षक यानी टाइटल ना लिखें, पर यहाँ शीर्षक आप लिख दें। अब हमें इसके पॉइंट्स बनाने हैं। तो पॉइंट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले एक यहाँ पर हेडिंग लेंगे और फिर उसके 3-4 हेडिंग लेंगे उससे संबंधित। जैसे रामलाल का शुरुआती जीवन था, तो यहाँ पर हमारे लगभग 4 लाइन, 1, 2, 3, 4, वो बहुत दुखी था, यहाँ तक उसके जीवन से संबंधित आई। तो हमने हेडिंग लिया रामलाल का जीवन। अब रामलाल के जीवन में वह गरीब था, लकड़ियाँ काट कर पेट भरता था, ठीक है, फिर भी घर का खर्च नहीं चलता था और दुखी था। हमने 4 पॉइंट यहाँ ले ली, रामलाल का जीवन। बस ये जो हेडिंग लिया ना हमने, इससे संबंधित ही होना चाहिए ये 4 पॉइंट। ये ध्यान रखिए, टाइटल से नहीं, इस हेडिंग से।
तो रामलाल का जीवन गरीब था, लकड़ी काटता था, खर्च नहीं चला पाता था, दुखी था। अब यहां से आप देखिए ये कहानी टर्न ले रही है। वह एक दिन लकड़ी काट कर शाम को घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला। तो यहां पर हमने बी पॉइंट लिख दिया, बक्से का मिलना। ठीक है, बक्से का मिलना। तो उसने उसे खोला तो आश्चर्यचकित रह गया, सोने के सिक्के थे, छिपा कर आ गया, घर नहीं लाया, ये सोने के बड़े बक्से के मिलने वाली बात हो गई। तो हमने लिख दिया बक्से का मिलना, सोने के सिक्के सिक्कों से भरा था, आश्चर्यचकित रह गया, घर नहीं लाया और छिपा दिया, ये चार पॉइंट इसके हो गए। इसके बाद में आप देखिए उसे पता लगा कि नगर सेठ के घर चोरी हुई है, तो हमने यहाँ पर सी में ले लिया रामलाल की ईमानदारी, सेठ को सूचना देना और बक्से की जगह ले जाना, और चौथा पॉइंट है नगर सेठ द्वारा रामलाल को इनाम। सेठ प्रसन्न हुआ, मकान नौकरी 10 बीघा जमीन दी, और ईमानदारी का फल मीठा होता है। और हम बी पार्ट में लिखेंगे समरी, यानी कि ये जो कहानी है इस कहानी की हम सारांश लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे वापस शीर्षक यानी टाइटल और ईमानदारी का फल, और बीच में जितने आपके पेशेज आते हैं, लगभग 300 शब्दों का पेशेज आता है, तो 100 शब्द आपको कम से कम यानी 10-12 लाइन में सारांश लिखना है। इस प्रकार इस कहानी को हमने समझा, और इस आधार पर अब हम नोट्स बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हमने आपके 10th क्लास के एक लेसन से ये एक पैराग्राफ लिया है, पैसेज लिया है, और हम इसी को नोट मेकिंग में बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इसका टाइटल है, लेसन का नाम है, वो कवर कर लिया है। अभी हम टाइटल बनाना सीखते ही हम इसको हटा लेंगे। आइए एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग व्हेन वी फील सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज बाय फीलिंग कंटेंट। ऐसा हम इसको पढ़ते हैं तो हमें 2-3 जगह पर टाइटल से जुड़ी हुई चीज अपने आप मिल जाएगी, वो रिपीट होती है। एंड बाय लिविंग इन कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरमेंट वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, मिला यहाँ पर। और क्लोज एंड हार्मनियस इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ आया, आप देख लीजिए पॉजिटिव हेल्थ आया, बार बार यहाँ पर क्या आएगा आपके पॉजिटिव हेल्थ आएगा, आप इसमें देखेंगे तो आपको एंड तक इसमें देखना पड़ेगा। ये फिर पॉजिटिव आ गया, हेल्थ से रिलेटेड आ गया, फिजिकल हेल्थ आ गया, फिजिकल हेल्थ के बारे में आ गया, फिर पॉजिटिव हेल्थ आ गया, तो कुल मिलाकर इसका हमें टाइटल पता लग गया कि पॉजिटिव हेल्थ है। तो हमने यहाँ पर ई हटाकर देख लिया, हमारा टाइटल पॉजिटिव हेल्थ हमें मिल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर में ए लिखेंगे, और हमने कैपिटल लेटर में नोट्स लिख दिया, और बिना टाइटल लिखे हमने यहाँ पॉजिटिव हेल्थ लिख दिया। अब जैसे हमने रामलाल की कहानी को समझा था वैसे ही आप इस पैसेज को भी समझ लीजिए, और इसमें हेडिंग बनाते वक्त आप उस मूल बिंदु को लिखिए और उससे रिलेटेड 2-3 बातें आप लिख दीजिए। यहाँ पर हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग व्हेन वी फील सिक्योर बाय फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, यानी कि ये संबंधित है आपके स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ से। एंड बाय लिविंग इन कंफर्टेबल एंड एनवायरमेंट वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, देख लीजिए आप, हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में कब होते हैं, जब हम ऐसा ऐसा करते हैं। तो हमने क्या किया, ए पार्ट में ले लिया स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, और हम कब होते हैं आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है
जब हम फिजिकल हेल्दी होते हैं, ठीक है, फीलिंग कंटेंट होते हैं यानी संतुष्ट होते हैं, और लिविंग इन कंफर्टेबल क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, साफ स्वच्छ और आरामदायक वातावरण में रहते हैं, तो हम कब पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में होते हैं। फ्रेंड्स आप खुद देख लीजिए, मैंने यही लिखा है, स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ और टू फील फिजिकल हेल्दी, फीलिंग कंटेंट, और ये तीन बातें इससे रिलेटेड हमने लिख दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स इन दोज कंट्री। जब ये टोटल मिलाकर किसके बारे में है आप देख लीजिए, डेवलप्ड कंट्रीज का ही वर्णन किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में। तो हम क्या करें, यहां पर हमारा बी पॉइंट डालकर लिख दें, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, और यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आया फैमिली टाइज ब्रेकिंग अपीयर वीकनिंग नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर, तो हमने यहां पर लिख लिया फैमिली टाइज वीकनिंग। अब ये परिवार के बंधन कमजोर हो रहे हैं, किनके, उन लोगों के जो कि विकसित देशों में रहते हैं। मिल गया हेडिंग से सब हेडिंग। फिर इसने दिया वो उनका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो बेटर होता है, खान पान अच्छा होता है, तो हमने लिख दिया दे हैव बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये भी किनका है, इनका है, बस इससे जुड़ा हुआ ये चलना चाहिए। उनके पास पर्याप्त धन होता है, प्लेंटी ऑफ मनी, हमने भी लिख दिया प्लेंटी ऑफ मनी। उनके पास में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, हमने भी लिख दिया एंजॉय फिजिकल हेल्थ। लेकिन नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हमने भी लिख दिया नॉट कंटेंटेड मेंटली। अब हम पैराग्राफ नंबर थर्ड में चलते हैं। On the other hand, in the developing countries, the quality of human interaction within families, neighbors, and friends are often more positive. However, both the environmental and nutritional status of these populations are lower. So people suffer from poor physical health. When a person's physical health, यानी ये health condition के बारे में, किन में, developing countries के लोगों की स्वास्थ्य कैसा होता है, तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, सी नंबर लगाकर यहां लिख दिया हेल्थ कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहां पर आप देख लीजिए हेल्थ कंडीशन में उसने दिया हुआ है कैसी होती है, एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसी होती है, लोअर होती है, हमने भी लिख दिया एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस आर लोअर। फिर यहां दिया हुआ है पुअर फिजिकल हेल्थ, तो हमने भी लिख दिया पुअर फिजिकल हेल्थ। फिर दिया हुआ है पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो हमने भी लिख दिया पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ सेक्शन में। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, टू हेल्प अचीव दिस स्टेट वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अब हम पॉजिटिव हेल्थ को कैसे प्राप्त करें, यानी टू अचीव दिस स्टेट की जगह हमने लिख दिया टू, ये यहां पर देखिए टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमने डी पॉइंट भी ले लिया टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। अब ये हेडिंग ले लिया, इससे रिलेटेड हमें पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा वही बिंदु हम यहां पर लिखेंगे। तो आप देखिए टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ के लिए क्या दिया है, टू अंडरस्टैंड हाउ आर बॉडी फंक्शन, यानी अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, हमने इसको टू अंडरस्टैंड में बदल दिया, ये हमने ले लिया टू अंडरस्टैंड आर बॉडीज फंक्शन। ठीक है, नंबर दो पे यहां पर इसके बाद में दिया हुआ है फंक्शन के बाद में वी नीड क्लीन एनवायरमेंट, हमने ले लिया क्लीन एनवायरमेंट। फिर क्लीन एनवायरमेंट के बाद दिया हुआ हेल्दी फूड, हमने ले लिया हेल्दी फूड।
फिर दिया हुआ है प्रॉपर एजुकेशन, हमने प्रॉपर एजुकेशन ले लिया। और नंबर 5 पर एंड में यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, हमने भी ले लिया पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। इस प्रकार हमने 4-5 मुख्य मुख्य बिंदु इसमें से ले लिए जो कि इस हेडिंग से जुड़े हुए थे। बी पार्ट में आप बी लिखें, समरी कैपिटल में लिखें, TITLE टाइटल लिखकर वापस इसका शीर्षक लिखें पॉजिटिव हेल्थ, और स्टार्टिंग में आप जैसे अच्छी बिंदु है, अच्छा टॉपिक है, तो आप अपनी तरफ से 4 शब्द लिख दें। इट इज क्वाइट ट्रू डेट, यह सच है कि हेल्थ इज, ये रहा हेल्थ इज से लेकर पहली लाइन लिख दी फ्रेंड्स, हमने ये लिख दी। इसके बाद में आप इस पैराग्राफ में से 2-3 लाइन, इसमें से 2-3 लाइन, 2-4 लाइन, ऐसे करके 10-12 लाइन आप इसका सारांश लिखकर आ जाएं, आपके 6 में से 6 मार्क्स इसमें प्राप्त हो जाएंगे। आशा है फ्रेंड्स आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।